आबाद को लेकर सत्ता और विपक्ष में तकरार। मंत्रियों ने कहा मर्यादित आचरण के लिए विपक्षी सांसदों पर हो कार्यवाही। प्रियंका गांधी ने ट्विटर प्रोफाइल पर लगाई राहुल गांधी की तस्वीर, श्रीनिवास ने ट्विटर पर साधा जमकर निशाना। टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली लवलीना को असम सरकार का तोहफा, मुख्यमंत्री ने दिए 1 करोड़ रुपए। वैक्सीन की किल्लत, तो मुंबई में आज और कल बीएमसी केंद्रों पर टीकाकरण अभियान रहेगा बंद। तालिबान लड़ाकों के आगे पस्त पड़ी अफगानिस्तान सरकार, अब सुलह के लिए दिया प्रस्ताव। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां मैदान में उतर गई हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियों ने चुनावी मैदान में पूरी ताकत से लड़ना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में ताजनगरी आगरा में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के खिलाफ लगातार प्रदर्शन किया गया। ताजनगरी आगरा में पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर सपाइयों ने जमकर हंगामा किया और सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी की। समाजवादियों ने कलेक्ट्रेट मुख्यालय पहुंचकर योगी सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया। वहीं कई कार्यकर्ताओं ने गैस सिलेंडर की आकृति को लेकर महंगाई का विरोध करते हुए वो दिखाई दिए और बोले कि योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। भारतीय जनता पार्टी के आगरा के जनप्रतिनिधियों के भ्रष्टाचार की वजह से, यहाँ के मेयर के भ्रष्टाचार की वजह से आगरा बहुत ही बेहाल पड़ा हुआ है। आगरा की जनता का बहुत बड़ा उत्पीड़न हो रहा है। इन सारी समस्याओं को लेकर आज हम कलेक्टर साहब के पास आए हैं और अपनी बात को कहने के लिए आए हैं, राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि अगर हमारी समस्याओं का समाधान, जनता की समस्याओं का समाधान 15 दिन में नहीं किया तो समाजवादी पार्टी इस कलेक्टर को ताला भी डालने का काम करेगी और टोरंटो ऑफिस पर भी ताला। लखनऊ में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान अजय कुमार लल्लू ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ इस बार आने वाली है और स्वतंत्रता दिवस पर नेता और कार्यकर्ताओं के साथ 30,000 ग्राम सभाओं को 75 घंटे का प्रवास किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस त्याग बलिदान समर्पण की पार्टी रही है। प्रियंका गांधी के निर्देश में 75 घंटे यानी 3 दिन 90 लाख लोगों से जनसंपर्क किया जाएगा। चिन्हित गांवों और वार्डों में कार्यकर्ता की जाएगी। वहीं 19 से शुरू होगा ये कार्यक्रम और 20 तारीख तक इस कार्यक्रम को चलने की उम्मीद है। पहले दिन मेरा गांव मेरा देश कार्यक्रम होगा। गांव में चौपालें लगाई जाएंगी, ग्रामीणों की समस्याओं की बात होगी। वहीं बालू अड्डा प्रकरण में भी अजय कुमार लल्लू ने कहा कि यूपी की राजधानी का ये हाल है, बहुत सुरक्षित नहीं है। सरकार की कलई इस वक्त खुलती हुई दिखाई दी है, सरकार चीजों को दरकिनार ही करती है। प्रियंका गांधी जी के निर्देशन में 75 घंटे यानी 3 दिन कांग्रेस पार्टी 90 लाख लोगों से सीधा संपर्क अभियान बनाएगी। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे। कांग्रेस पार्टी त्याग बलिदान समर्पण और संघर्ष की पार्टी है और स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस का एक बहुत बड़ा योगदान और कांग्रेस के नेतृत्व में इस पूरे आंदोलन को करने का कार्य। अलीगढ़ के थाना जवा इलाके में बनी एक चर्च के अंदर बदमाशों ने दरवाजा तोड़कर घुसकर जमकर उत्पात मचाया। इसके साथ ही कई जगह पर चर्च में तोड़फोड़ की गई, जिसके बाद चर्च के अंदर रखा सामान और पीतल की मूर्ति वगैरह चोरी कर बदमाश अपने साथ ले गए। अराजक तत्वों ने धमकी भरे स्लोगन चर्च की दीवारों पर लिख दिए, जिसके बाद क्रिश्चियन समाज के अंदर धमकी भरे स्लोगन देखने के बाद आक्रोश पनप गया और अराजक तत्व सहित चोरी करने वाले बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई। इस पूरे मामले पर एसएसपी कार्यालय पहुंचे सभी लोग और आरोपियों की गिरफ्तारी और जेल भेजने की लगातार मांग की गई। शनिचर को हुई, शुक्र को हुई, हमें नहीं मालूम, लेकिन यह है कि हम लोग रविवार को अपनी रविवार की आराधना करने के लिए वहाँ पहुंचे तो हमें चर्च में तोड़फोड़ नजर आई, टूटा हुआ नजर आया, पीछे का दरवाजा दीवार
और अंदर की जो थोड़ा बहुत सामान पीतल का और क्रॉस वगैरह वहाँ पे चोरी हमें नजर आएगी, वहाँ से चोरी हो चुका है। आज हम SSP साहब के पास आए हैं कि जिन लोगों ने ये शरारती, क्योंकि ये कुछ शरारती तत्व होते हैं और जिनकी वजह से सब लोग बदनाम होते हैं, तो कोई भी अगर ऐसे शरारती तत्व में किसी ने ऐसी हरकत करी है तो मेहरबानी के साथ उसको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए और उनको जेल भेजा जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हम लोग जो हैं रोड पे धरना प्रदर्शन वगैरह हम लोग करेंगे। ताजनगरी आगरा के थाना खंदौली में उस वक्त मातम छा गया जब लेह लद्दाख में तैनात जिले के श्यामवीर सिंह की मौत की खबर मिली। परिवार को सूबेदार श्यामवीर सिंह की मौत की जानकारी के बाद से मातम पसरा हुआ है। वहीं शहीद के परिवार को सांत्वना देने वालों का तांता लग गया। सूबेदार के परिवार को सांत्वना देने पुलवामा हमले में शहीद हुए कौशल कुमार रावत की वीरांगना ममता रावत और उनके बेटे अभिषेक भी पहुंचे थे और परिवार को हर संभव मदद की बात कही गई है। परिवार से मिलने के बाद वीरांगना ममता रावत ने बताया कि परिवार पर इस समय दुखों का पहाड़ टूटा है। जो दर्द हमने और हमारे परिवार ने महसूस किया, वही दर्द आज उन्होंने भी महसूस किया है। सेना की सभी वीर हमारे परिवार हैं, आपको बता दें कि इसलिए आज हम इनसे मिलने आए हैं। कि वो श्यामवीर सिंह नहीं रहे हैं, वो क्लैप्स, उनको पहले चेस्ट में पेन हुआ है, फिर वॉमिट हुई है, फिर क्लैप्स्ड हो गए, फिर लेके गए तो वो डेड डिक्लेयर कर दिया। कोई पहले क्या प्रॉब्लम रही थी? नहीं पापा, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस वहाँ पे जाने पे ये बोलते थे ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो गई है मुझे। कितना समय इससे लगता? अभी मतलब 1.5 महीने तो वो पहुँचे थे उस रात जगह पर, 3 महीने हो गए, 3 और 1.5 महीने वहाँ पर वो रहे थे। जब से प्रॉब्लम बता, वो मेरा परिवार है, मैं उनसे मिल के आऊँ, क्योंकि वो मेरे बहुत पहले मतलब 2.5 साल पहले बीत चुकी है, वो आज उस बहन के ऊपर बीत रही है। तो मुझे पता है कि जब अपना दुख और वो दुख बिल्कुल बराबर है, क्योंकि वो भी और मैं, हम एक परिवार हैं, जितने हम सारे शहीदों के परिवार हैं वो सारे एक परिवार हैं। इसलिए मैं इनसे अपना दुख और इनका दुख सुनने के लिए और अपना। लखनऊ पब्लिक कॉलेज ने कोरोना काल में भी छात्रों के उज्जवल भविष्य को निखारने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन करने के साथ ही विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए LPPS ने वैकल्पिक ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली को अपनाया और सफलतापूर्वक ऑनलाइन परीक्षाओं का आयोजन भी करवाया। यही नहीं, कॉलेज ने कोरोना से प्रभावित हुए छात्रों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जॉब फेस्टिवल का भी आयोजन किया। इसमें 15 से अधिक कंपनियों ने करीब 114 से अधिक LPCPS छात्रों को रोजगार उपलब्ध कराया। कॉलेज के शिक्षकों के द्वारा छात्रों को लगातार मिल रहे कुशल मार्गदर्शन का ही परिणाम है कि इस मुश्किल दौर में भी छात्रों ने अपनी प्रतिभा को निखारते हुए Amazon के Alexa और Apple के Siri वॉइस असिस्टेंट की भांति एक नए AI वॉइस असिस्टेंट स्नो बॉय का निर्माण किया है। संस्थापक प्रबंधक डॉक्टर SP सिंह ने छात्रों की इस उपलब्धि पर उन्हें बधाई देते हुए कहा कि यह कॉलेज प्रतिभाशाली छात्रों को हर संभव मदद करने के साथ ही उन्हें एक बेहतर मंच उपलब्ध कराने के लिए काम करता रहेगा। इस पर मैं यही कहूंगा कि चूंकि बोर्ड के एग्जाम नहीं हुए हैं तो हम लोगों ने जो पहले परीक्षाएं ली थी उसके आधार पे और बोर्ड ने जो पॉलिसी बनाई थी उसके आधार पर जो है हम लोगों ने बच्चों को मार्क्स दिए हैं। रिजल्ट वैसा ही है जैसा पिछली बार था, उससे पहले सालों में था और उसके आगे हम लोग जा भी नहीं सकते थे। और रिजल्ट में हम लोगों ने जो मार्क्स दिए हैं बोर्ड से बढ़के ही। सिद्धार्थनगर में जनता दल यूनाइटेड पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम में काफी संख्या में कार्यकर्ता व पदाधिकारी शामिल हुए। मौजूद कार्यालय का उद्घाटन जनता दल यूनाइटेड पार्टी के पूर्वांचल प्रभारी वीरेंद्र कुमार सिंह ने किया। पूर्वांचल प्रभारी ने कहा कि ओम प्रकाश गुप्ता को शोहरतगढ़ विधानसभा से हमारी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतारेगी। वहीं जिले की राजनीति में एक और पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी पहल कर दी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी का विस्तार करते हुए चुनावी रणभूमि में वे उतर चुके हैं। जनता दल यूनाइटेड के शोहरतगढ़ विधानसभा से चुनाव लड़ने NDA घटक वाली दो पार्टियां चुनावी संग्राम में आमने सामने होंगी। देखिए, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के कार्यों को पूरे देश में फैलाने के उद्देश्य से जनता दल यूनाइटेड को हम उत्तर प्रदेश में भी मजबूत करना चाहते हैं।
इसी उद्देश्य से आज कार्यालय का यहाँ उद्घाटन किए हैं और आने वाले समय में हम 200 सीट। अलीगढ़ के धनीपुर में मेगा क्रेडिट कैंप का आयोजन हुआ। मेगा क्रेडिट कैंप का आयोजन डीएम सेल्वा कुमार जी की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें जनपद के दिए गए 100 करोड़ के ऋण वितरण के लक्ष्य के सापेक्ष 139 करोड़ के ऋण को स्वीकृत किया गया। मेगा कैंप में लाभार्थियों को प्रतिज्ञात्मक चेक भी वितरित किया गया। इतना बड़ा संख्या में आई थिंक कोई बहुत कम ही स्टेट्स मतलब डिस्ट्रिक्ट्स होंगे जिसमें टारगेट से ऊपर, यूजुअली टारगेट अचीव करना ही मुश्किल होता है डिस्ट्रिक्ट में, बट यहाँ पे देख रहे हैं पूरा टीम ने, क्योंकि बैंकर्स का सपोर्ट प्लस डिपार्टमेंटल दोनों। अगर खबर औरैया से है, जहां देश की आजादी में अपना बलिदान देने वाले क्रांतिकारी शहीदों की याद में विशाल तिरंगा यात्रा निकालकर शहीदों को याद किया गया। शहर के मुख्य मार्गों से 71 मीटर लंबे तिरंगे को अपने हाथों में लेकर हजारों की संख्या में युवाओं ने यात्रा निकालते हुए अमर शहीदों को न सिर्फ याद किया बल्कि शहर के मुख्य मार्गों में शहीदों की प्रतिमाओं पर भी पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। छात्र संगठनों के द्वारा निकाली गई इस विशाल तिरंगा यात्रा के दौरान पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। सामाजिक संगठनों ने बताया कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जनपद के भी क्रांतिकारी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते शहीद हुए थे। वर्ष हमारे स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए लोगों की स्मृति में छात्र संगठन द्वारा तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाता है। इसमें नगर के आसपास के क्षेत्रों के समस्त भारत प्रेमी युवा अपने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए 71 मीटर तिरंगा के साथ पूरे नगर का भ्रमण करते हैं। देश प्रेमी नारों से नगर गुंजायमान होता है, जिससे लोगों में हमारे अमर शहीदों के। सोनभद्र के बीजपुर के बस्ती में वन विभाग की भूमि पर काफी दिनों से अवैध कब्जा कर लोग जमे हुए थे। इसी वजह से जमीन के पास का एरिया वन विभाग, पुलिस व पीएससी के जवानों से छावनी में तब्दील कर दिया गया। जमीन पर वन विभाग के नेतृत्व में बुलडोजर चलाकर इलाके को तहस नहस कर दिया गया, साथ ही दोबारा कब्जा न करने की हिदायत भी दी गई। वन विभाग के द्वारा अवैध रूप से उक्त जमीन पर रखे गए सामग्रियों को भी लेकर कुछ महिलाओं ने विरोध किया, लेकिन छावनी में तब्दील पुलिस और पीएससी बल के आगे उनकी एक भी न चली। इस कार्यवाही पर उप जिलाधिकारी, एसपी, डीएफओ और तमाम पुलिस बल मौके पर मौजूद दिखाई दिया। मऊ के शारदा नारायण हॉस्पिटल में आधुनिक आपातकालीन चिकित्सा कक्ष का उद्घाटन किया गया। क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुजीत सिंह द्वारा फीता काट कर इसका उद्घाटन किया गया है। इस अवसर पर डॉक्टर संजय सिंह ने कहा कि इस आपातकालीन चिकित्सा कक्ष का उद्घाटन कोरोना काल की तीसरी लहर और आधुनिक आपातकालीन सेवा देने के मद्देनजर शुरू किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य सभी प्रकार की चिकित्सा सुविधाएं कम समय में मरीजों को मुहैया कराई जा सके। इस आधुनिक आपातकालीन चिकित्सा कक्ष में सभी प्रकार के आपातकालीन उपकरण, जीवन रक्षक दवाएं और एक स्पेशल डॉक्टर्स की टीम 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। वहीं सोनभद्र में जन अधिकार पार्टी के तत्वाधान में रामलीला मैदान रावत्सगंज में रामलीला हॉल में अल्पसंख्यक प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव इरफान इरशाद शामिल रहे। आपको बता दें कि जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव इरफान इरशाद ने लोगों को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष भागीरथ सिंह और जिला अध्यक्ष के साथ भारी मात्रा में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता, सदस्य और आम जनता मौजूद रही। वहीं सुल्तानपुर में 4 दिन पहले हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने खुलासे में बताया कि खुद बड़े भाई ने ही युवक की हत्या कर मौत के घाट उतार दिया था। बताया जा रहा है कि रिटायरमेंट के बाद पिता ने छोटे बेटे को पैसा देकर व्यवसाय करने का आश्वासन दिया था। इसी के बाद से नाराज होकर बड़े भाई ने पूरी वारदात को अंजाम दे दिया। फिलहाल पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार समेत बड़े भाई को गिरफ्तार कर लिया है। का एक बड़ा भाई है जिसका नाम अब्दुल आखिर खां है, जिसके द्वारा स्वयं एक घटना वाली रात में चाकू से वार करके इसकी हत्या कर की गई थी। इस संबंध में संदेह के आधार पर अब्दुल आखिर खां
को लाकर और सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल करते हुए। सोनभद्र में नक्सली संचरण पर प्रभावी रोकथाम के लिए दूरस्थ व पहाड़ी क्षेत्रों के निवासियों से समन्वय स्थापित रखने के लिए सघन कॉम्बिंग की गई। बता दें कि केरहुलिया के जंगलों में सघन कॉम्बिंग की गई। इस दौरान स्थानीय लोगों से बात कर उन्हें किस तरह से संदिग्ध गतिविधियों के दिखने पर नक्सली संचरण के विषय में जानकारी होने पर तत्काल पुलिस और स्थानीय प्रशासन को अवगत कराना है, इसकी जानकारी दी गई। यूपी के कई इलाकों में जोरदार बारिश हो रही है। भारी बारिश की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। इसी वजह से बारिश में फतेहपुर में एक मकान ढह गया। मकान गिरने की वजह से सामान दबकर बेकार हो गया। पीड़ित परिवार को काफी परेशानियों का इस वक्त सामना करना पड़ रहा है। ये घटना हथगाम थाना क्षेत्र के केशवपुर गांव की बताई जा रही है। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली। इस मुठभेड़ में कार में यात्रियों को बिठाकर लूटपाट करने वाले गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस की मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हुए। वहीं लुटेरों के पास से एक कार, अवैध शस्त्र, ब्लेड, पेचकस और अन्य सामान बरामद किया गया है। आपको बता दें कि बरामद बदमाशों के खिलाफ लूट के काफी मामले पहले से दर्ज थे। लखीमपुर खीरी में पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में सर्विलांस सेल क्राइम ब्रांच की ओर से अभियान चलाया जा रहा है। चलाए गए अभियान के अंतर्गत आवेदकों के द्वारा विभिन्न तारीखों में मोबाइल फोन खो जाने के संबंध में दिए गए प्रार्थना पत्रों के आधार पर सर्विलांस सेल ने 101 मोबाइल फोन की बरामदगी की है। बरामद मोबाइल फोन की कीमत लगभग 10 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक द्वारा मोबाइल बरामद करने वाली टीम के उत्साहवर्धन करते हुए 5,000 रुपए का नकद पुरस्कार भी दिया गया। हमीरपुर में पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए 1 महीने पहले इंडियन बैंक कोरारा के पास हुई लूट का खुलासा कर दिया है। लूट का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े गए आरोपियों के पास से घटना में प्रयोग की गई मोटरसाइकिल, एक अवैध तमंचा, लूटे गए 1,05,000 रुपए को बरामद किया गया। गिरफ्तार किए गए चोरों को आपको बता दें कि लूट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। हबीदुल नाम की एक महिला जो मसाला फैक्ट्री में अकाउंटेंट के पद पे कार्यरत हैं, 3 साल को बैंक से 1,40,000 रुपये निकाल के जा रही थी कि इनके साथ बाइक पे बैठे हुए युवकों द्वारा लूट की घटना कारित करते हुए 1,40,000 रुपये लूट लिया गया था। तब से हमारी टीमें निरंतर प्रयासरत थी वर्कआउट के लिए। आज कुरारा पुलिस और SOG की टीम द्वारा संयुक्त रूप से इस घटना का अनावरण किया गया है और 1,05,000 रुपया बरामद किया गया है। 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। 1 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। रायबरेली के गणेशपुर गांव में करंट लगने के बाद गंभीर हालत में दंपति को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान पति की मौत हो गई, जबकि पत्नी की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। डॉक्टरों से जानकारी लेते हुए पता चला कि फिलहाल इलाज चल रहा है। घटना से परिवार वालों पर काफी बुरा हाल इस वक्त देखने को मिल रहा है। वहीं बस्ती में तेज रफ्तार का कहर नेशनल हाईवे पर दिखाई दिया। इस भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की घटनास्थल पर दर्दनाक मौत हो गई। बता दें कि कार चालक को बड़ी गाड़ी ने टक्कर मार दी। दोनों वाहनों के टक्कर की आवाज सुनकर आसपास के लोग घटनास्थल की तरफ पहुंचे, जहां घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। कड़ी मशक्कत के बाद कार से लोगों को बाहर निकाला गया। फिलहाल पुलिस ने गंभीर रूप से घायल चालक व 13 साल की बच्ची को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है। मेडिकल डिवाइस क्षेत्र की विख्यात कंपनी जी सर्जीवियल लिमिटेड शाहजहांपुर के महाप्रबंधक एवं निदेशक डॉक्टर घनश्याम दास अग्रवाल एवं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान धनबाद के शिक्षारत और जी सर्जीवियल लिमिटेड में कार्यरत वैज्ञानिक नितिन प्रताप वर्मा व उनकी टीम के अथक प्रयासों, मेहनत और शोध द्वारा मैग्नीशियम इम्प्लांट्स की नई खोज की गई है। बता दें कि वर्तमान समय में मनुष्यों के ऑर्थोपेडिक्स फ्रैक्चर होने पर व्यक्तियों का ऑपरेशन करके मेटल्स धातु का रॉड व अन्य पार्ट शरीर में फिक्स किए जाते हैं, जिन्हें ठीक होने के बाद निकालना पड़ता है।
जब तक ये धातु के पार्ट्स शरीर में रहते हैं तब तक व्यक्ति को असहनीय पीड़ा होती है। मैग्नीशियम इम्प्लांट जो कि एक नई खोज है, इसको ऑपरेशन के बाद शरीर में इम्प्लांट किया जाता है और शरीर की हड्डी जुड़ने के बाद ये मैग्नीशियम इम्प्लांट का ये नया प्रोडक्ट खुद ही शरीर में घुल जाता है, साथ ही व्यक्ति को दर्द और पीड़ा भी नहीं होती। बता दें कि दुनिया के सैकड़ों वैज्ञानिक इस पर शोध कर रहे हैं, सैकड़ों शोध पत्र इस पर जारी किए जा चुके हैं, लेकिन जी सर्जीवेयर की टीम ने जो क्रांतिकारी सफलता हासिल की है वैसी सफलता मेडिकल क्षेत्र में किसी को नहीं मिली है। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।